तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेकअप पसंद आया हो। एंड डे पार्टी मेकअप के लिए बेस्ट लुक है। मैंने कल ये वाला मेकअप 12 बजे करीब में किया था दोपहर के, और आज ये मैं सुबह तक मेकअप वैसे का वैसे था। जब मैं पार्टी से आई तो मैंने अपना फेस वॉश किया है, उसके बाद मैं हेयर स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करी, क्योंकि हेयर स्टाइल मेरे हेयर शॉर्ट है तो मैंने ओपन रखा था। तो कल का जो लुक था उसके साथ हेयर स्टाइल शेयर नहीं किया था, तो आज उस मेकअप के साथ अगर आपको हेयर स्टाइल बनानी है तो आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। हाँ फ्रंट से थोड़ा सा आपको पफ वगैरह का लुक चाहिए तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं पफ बनाने जा रही हूँ, सबके लिए आपको बॉबी क्लिप्स चाहिए थोड़े से। तो मैं यहाँ पे पूरा हाफ हेयर के साथ पफ बना रही हूँ इस तरीके से, ईयर टू ईयर पार्टीशन करके बालों को इस तरीके से रखेंगे, अच्छे से कॉम कर लेंगे। कम करने के बाद फिर हल्का सा आगे की तरफ पुल आउट करेंगे। आप जैसे ये मिरर में देख लो, जितना ऊंचा आपको पफ चाहिए उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। बहुत ज्यादा हेयर नहीं लेना है ईयर टू ईयर पार्टीशन करते वक्त। ऐसे फोल्ड करते टाइम देखिए कि आपको किस साइड से आपका पफ जो है वो अच्छा बन रहा है। तो मैंने इस तरीके से, मैं इस साइड से फोल्ड करती हूँ तो मेरा पफ अच्छा बनता है। तो इसके बाद से मैं क्लिप से इसको सेट कर दूंगी। भी इस तरीके से आप पफ वगैरह बनाते हो और क्लिप लगा रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखिए कि जब आप क्लिप लगा रहे हो तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के लगानी है। इससे क्या होगा कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा और आप सरकेगा नहीं इधर से उधर। आपका जो क्लिप है वो इस तरीके से क्रॉस करके लगाइए, और जहां से आपको लग रहा है कि आपका जो पफ है वो फ्लैट हो रहा है वहां से आप थोड़ा थोड़ा सा खींच लीजिएगा। ओके, तो काफी अच्छा सा पफ मेरा फ्रंट साइड से बन गया है। अब बैक साइड का हेयर स्टाइल बनाते हैं। उसके लिए बालों को कॉम करेंगे और बहुत ज्यादा लो नहीं बनाना है इसमें हेयर स्टाइल आपको। दिन के लिए पार्टी मेकअप लुक है एंड ये हेयर स्टाइल है। अगर आप पोनी रखना चाहते हो तो भी, अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल्स हो तो आप इस तरीके से पफ एंड पफ के साथ पोनी का लुक क्रिएट कर सकते हो तो ये भी काफी अच्छा लगता है। बट अपने का रबड़ बैंड, जैसे मैंने यहाँ पे येलो कलर का लगाया है, तो आप इस तरीके से रबड़ बैंड को हाइड कर दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा ये, और अट्रैक्टिव भी लगता है। और सेकेंड हेयर स्टाइल में आप इसको इस तरीके से, मैंने रबड़ बैंड लगाया है, देन एक बनाना क्लिप्स लूंगी और इसको बनाना क्लिप्स को इस तरीके से लगा दूंगी। बनाना क्लिप्स लगाने के बाद से सारे पोनी के हेयर को इस साइड में रखेंगे और एक क्लचर लेंगे। क्लचर को यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। अगर अगर आप क्लचर नहीं लगाना चाहते हो या फिर क्लचर आपके बाल बहुत छोटे हैं जैसे कि मेरे भी छोटे हैं, तो आप एक रबड़ बैंड लोगे और बनाना क्लिप के साथ एक साइड में सारे हेयर को करके और सिंपली रबड़ बैंड को लगा दोगे। ओके, अब आपको सारे हेयर को इस तरीके से रखना है। और इसके बाद आपको एक रबड़ बैंड और जरूरत पड़ेगी। इस साइड हमने सारे रबड़ बैंड को तो कर दिया था। अगर आपका रबड़ बैंड लूज लग रहा है, जैसे मुझे यहाँ पे लूज लग रहा है, तो मैं इसको डबल फोल्ड करूंगी एंड बनाना क्लिप्स के ऊपर से इस तरीके से दोबारा लगा दूंगी ताकि जो हमारा हेयर स्टाइल है वो टाइटली बन पाए। इस तरीके से करने के बाद से आपको यहाँ पे एक रबड़ बैंड और लेना है। एक रबड़ बैंड और ले लेंगे और पोनी के हेयर को थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए, जैसे मेरे हेयर यहाँ पे छोटे छोटे हैं तो ये निकल जा रहे हैं तो उसको इग्नोर कीजिएगा, बाद में सेट कर लेंगे या फिर निकलेंगे तो भी अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए इस तरीके से एक और रबड़ बैंड लगा दिया है, देन बनाना क्लिप्स के चारों तरफ इस तरीके से लपेट लेंगे। और ये जो हेयर था पोनी का, पोनी के बाद का बचा हुआ हेयर, इसको इस तरीके से बनाना क्लिप के अंदर
लगा देंगे और यू क्लिप की मदद से उसको सिक्योर कर देंगे। ओके अब क्या करेंगे, जैसे हमारे ये हेयर जो हैं छोटे हैं तो ये हमारे निकल जा रहे हैं, तो इनको सेट करने के लिए आप ऊपर या नीचे में इसको इस तरीके से ले जाओगे, सेंटर में तो ये जाएगा नहीं, या फिर आप सेटिंग स्प्रे से इसको सेट कर सकते हो। सेटिंग स्प्रे जैसे यहाँ पे मेरे पास सेटिंग स्प्रे है, सॉरी कैमरे से बाहर आ गई हूँ मैं, तो ये सेटिंग स्प्रे लिया है मैंने, एनजो का सेटिंग स्प्रे है, काफ़ी अच्छा है एंड लॉन्ग टाइम से मैं इसको यूज कर रही हूँ। तो इसके लिए आपको ये सेटिंग स्प्रे लगाने के लिए क्या करना है, वन सेकेंड, आपको इस तरीके की एक पतले दांतों वाली कॉम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे कॉम पे सेटिंग स्प्रे को अच्छे से मार लेना है, जिससे कि कॉम के जो दांत है वो अच्छे से भीग जाए। उसके बाद आपको, क्योंकि ये बाल बहुत ज़्यादा हैं तो अगर अच्छे से नहीं भीगेगा तो ये सेट नहीं हो पाएगा, और इस तरीके से कॉम करके बालों को चिपका लेना है। ओके क्योंकि क्लिप लगाएंगे तो आधे पे ही खत्म हो जाएंगे हेयर हमारे। इस तरीके से लगा दिया, अगर फिर भी आपको लगे कि अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरीके से करके एक दो यू क्लिप्स को इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, जिससे कि ये थोड़ा सिक्योर हो जाएगा हेयर। छोटे बाल है, लेयर्स में कटे हुए हैं, तो मेरे वीडियोज में आपको काफ़ी सारे टिप्स मिल जाएंगे ऐसे हेयर्स को कैसे मैनेज करते हैं उसके लिए, मैं खुद से मैनेज करके भी दिखाती हूँ तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो ये हमारा हेयर जो है अच्छे से सेट हो चुका है और हमारा हेयर स्टाइल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो इस तरीके का हेयर स्टाइल आप बना सकते हो पार्टी शादी के लिए, लुक क्रिएट करना चाहते हो छोटे वालों में एंड डे पार्टी लुक है तो आप ये बना सकते हो। ऑफिस गोइंग गर्ल्स हो तो भी बना सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। अब इसको हैवी लुक दिखाने के लिए आप क्या करोगे, आपको यूपिन्स होंगे आपके पास इस तरीके के, यूपिन्स लेने हैं फ्लावर वाले और यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है। इस तरीके से एंड थोड़ा और हैवी लुक देना है तो छोटे वाले जो रोज फ्लावर वाले पिन आते हैं, जो कि ये लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, इसको कहीं कहीं पे लगा दीजिए। एग्जैक्ट जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने किसी की हेल्प लेके भी लगा सकते हो। और जो पार्टी के लिए लुक होगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। तो कैसा लगा आज का हेयर स्टाइल एंड मेकअप, आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इस तरीके की इजी हेल्पफुल हेयर स्टाइल्स की वीडियोज देखने के लिए इसके साथ आप हेयर स्टाइल के साथ बड़े बड़े झुमके इयररिंग्स ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा इस तरीके से। और अगर लेयर्स निकालने हैं तो पहले ही निकाल दीजिए और लेयर्स को कर्ल्स कर दीजिएगा, जिससे कि जो आपका लुक है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इस तरीके के झुमके ट्राई कर सकते हो। तो आप पहनना होगा पहन लीजिएगा, बट मैं सिर्फ वीडियो के लिए बता रही थी आपको। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर कर तो बनता है गाइस, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। काफ़ी अच्छा लगेगा जब आप रेडी होके ये हेयर स्टाइल बनाओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपके फेस पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इतना ख्याल रखिए, बाय बाय।